नमस्ते प्रणाम, हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। तो दोस्तों बताइए, लोग कितना गिर जाते हैं अपने अपना बनाने के लिए, दूसरे को कितना गिरा देते हैं लोग, ये मालूम नहीं था, देख रहे हैं, देख देख कर हमको भी पता चल रहा है। एक वीडियो हम देखे थे जिसमें स्ट्राइक दिखाया जा रहा था, तो वो स्ट्राइक पहले उनके चैनल पे स्ट्राइक आता है जिसका इल्ज़ाम लगता है गोरखपुरिया भौजी पे, और दोबारा फिर उनके चैनल पे अभी 2-3 दिन हुआ स्ट्राइक आया है। तो वीडियो डाली, वो वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, और बहुत लोगों ने देखा होगा उनका वीडियो, तो किस किस ने देखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं उनकी वीडियो देखी, बहुत ध्यान से देखी दोस्तों, तब मुझे पता चला उसमें मुझे जो दिखा, मैं अपना दिखा जो मुझे वो बता रही हूँ कि उसमें कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था और वो 1 साल पुराना था, जिसको अब वीडियो बना करके दिखाया जा रहा था कि स्ट्राइक आ गया मेरे चैनल पे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे तो नहीं पता है। कुछ भी होता है यूट्यूब पर, कब होता है, कैसे होता है, कुछ भी होता है, सबका इल्ज़ाम गोरखपुरिया पे आ जाता है। क्यों करते हैं लोग अपने फायदे के लिए, क्यों करते हैं लोग किसी को बदनाम, क्यों कर रहे हैं भाई? वो गोरखपुरिया के पास तो इतना फुर्सत नहीं है कि सबके चैनल पे स्ट्राइक मारेगी, मुझे तो नहीं लग रहा है वो स्ट्राइक मारी होगी। वो स्ट्राइक जो दिखा रही हूँ 1 साल पुराना है, स्ट्राइक नहीं है वो, कॉपीराइट है, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, और उस पर कॉपीराइट लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो उसमें लिखा था, जो दिख रहा था, वो मैं बता रही हूँ कि उसमें लाल कलर का ऐसे बना था, एस बना था और ऐसे कटा हुआ था, और कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ था, और ऊपर भी लिखा था 1 साल पुराना। तो मैं देखी उसे, तो मेरे समझ में आया कि 1 साल पुराना है। तो गोरखपुरिया को बदनाम करने के लिए आदमी क्या क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो बैठी हैं आराम से, किसी बात की किसी उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो गलती करती ही नहीं है तो टेंशन लेगी क्यों? गलती करती नहीं है तो टेंशन काहे लेगी वो ठीक है अपने जगह पे। और एक लोग और हैं जो जवाब मांग रही हैं, तो जवाब तो दे रही है ना गोरखपुरिया, आप हमें गाली दोगे हम आपको स्ट्राइक देंगे, जवाब तो दे रही है, किस तरीके से जवाब चाहिए आपको, ठीक है। और अमरनाथ भैया का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत दुख हुआ, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अमरनाथ भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाए और अपना अच्छे से परिवार में रहें, अपना काम करें। वो बेचारे बहुत परेशान रहते, बहुत अच्छे हैं उन लोग, वीडियो भी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके वीडियो भी हम देखते हैं। और उनकी बीवी परेशान थी, कुछ लाग बाधा हो गया था, भूत पिशाच सब कुछ क्या था मैटर मुझे नहीं पता, ये सब वीडियो देखी थी वही जानी हूँ। तो बहुत परेशान थे, अब वो ठीक हुई है प्रिया, अब जो है अमरनाथ भैया का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सोच रहे हैं, मेरे सोच में क्या हो रहा है कि पहले के समय में घर जो है कच्चा था, लेकिन लोग जो है वो सच्चे थे। पहले के समय में घर कच्चा था, लोग सच्चे थे, आज के समय में घर पक्का हो रहा है लेकिन लोग झूठे हो रहे हैं, क्योंकि अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा दे रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं करने वाला है। और जो किसी को बदनाम करेगा वो खुद बदनाम होगा। और इसमें बात आता है रंजना किन्नर का, जो बहुत ही गलत किया है रंजना किन्नर ने, मैं तो वीडियो देख रही हूँ, मैं भी बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, जो रंजना किन्नर ने बहुत गलत किया। और लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फंसा रही है, 10 लाख का डिमांड रखी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पैसे के लिए अपनी इज्जत को सोशल मीडिया पे तार तार नहीं करेगा, ठीक है। वो सही है, उसके पास प्रूफ है, सबूत है, तब वो थाने पे गई है, कंप्लेन करवाई है। पुलिस प्रशासन भी जो है वो बेवकूफ नहीं है, जब प्रूफ देखेगी, सबूत पाएगी, तभी किसी को अरेस्ट करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि वो फंसा रही हैं,
ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वो महिला सही है, सच है, और हम महिला के लिए वीडियो बनाए भी हैं और बनाते भी रहेंगे, क्योंकि हम भी एक महिला हैं। और अगर ऐसे दरिंदों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसे दरिंदों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, तो फिर कल किसी के साथ में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किन्नर माता जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दुआ हम लोग लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, कहीं भी हम मार्केट में निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो देखते हैं किन्नर माता लोग को, तो उनको पैसा देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है, तो उनका दुआ हम लोग को दुआ चाहिए, किन्नर माताओं का हमको दुआ चाहिए, इसलिए उनको पैसे देकर हम लोग दुआ लेते हैं। लेकिन सब नहीं होते, कहते हैं ना तालाब में एक मछली गंदा हो तो सारे तालाब गंदे हो जाते हैं, बस कहावत यही है, और कहावत है तो कुछ वैसा हो भी रहा है, तो एक के वजह से सारे लोग बदनाम हैं, लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बस एक को ही बोल रही हूँ, वो रंजना यादव, रंजना किन्नर को बोल रही हूँ। सब ऐसे नहीं है, सब बहुत अच्छे, हमारे यहाँ भी किन्नर माता लोग आती हैं, बहुत दुआ आशीर्वाद देकर जाती हैं। मेरा बाबू भी हुआ था जब, तो आई थी, बहुत दुआ आशीर्वाद देकर गई, आज मेरा बाबू बहुत तरक्की कर रहा है, तो इन लोग का दुआ बहुत लगता है, तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। अगर बुरी लगे हो मेरी बातों तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं कि सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि एक वीडियो में देखी थी जो किसी ने किन्नर माता लोग को कुछ बोल दिया था, जो वीडियो बना था, तो अब कौन बोला कैसे बोला मुझे ये नहीं पता है, लेकिन जो किन्नर माता वीडियो बनाई थी उनका वीडियो मैं देखी थी, मुझे भी बुरा लगा था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अब क्या बोली क्या नहीं बोली ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उनका वीडियो देखी ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ रंजना किन्नर को ही बोल रही हूँ। तो रंजना किन्नर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और छानबीन होना चाहिए, और जो बोल रहे हैं उनके सपोर्ट में तो पहले से सोच समझ लें कि कोई भी लेडीज़ कोई भी महिला अपने ऊपर जो है इतना बड़ा लांछन नहीं लगाएगी, इतना बड़ा कलंक नहीं लगाएगी कि अपने आप को बदनाम कर ले सोशल मीडिया पर आकर, इतना बड़ा हंगामा करेगी, कोई नहीं करेगा, उसके साथ गलत हुआ है तभी वो बोल रही है। तो यही है मेरा राय, और आप लोग का राय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मेरे समझ में था वो मैंने बताया। और आज एक खुशी और मेरी मुझे हुआ है कि आज मेरा बाबू बड़ा वाला केदारनाथ गया है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रभु मेरा बाबू गया है तो अच्छे से दर्शन करके आए, और अच्छे अच्छे घर आए और अच्छे अच्छे गया, अच्छा अच्छा उसे दर्शन मिले। आप लोग भी दुआ करिएगा, और मेरा बाबू गया है मैं वहाँ से वीडियो बना करके लाएगा, मैं डालूँगी, आप लोग देखिएगा, और आप लोग भी दुआ करिए कि मेरा बाबू का यात्रा मंगलमय हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।